राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के नेता रमेश बंग हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव पर बीसीएन को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हिंगना ग्राम पंचायत चुनाव नतीजे राष्ट्रवादी के लिए अच्छे रहे, इससे ये साबित होता है कि लोगों में भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। चुनाव नतीजों पर भाजपा ने किए दावे को झूठा कहते हुए बंग ने कहा कि भाजपा झूठे दावे कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। अभी हिंगना और हिंगना मतदार संघ में चुनाव हुए, उसमें नतीजा राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और लोगों की नाराज़ी है, यही उसका कारण है। उसके कारण हम इतना बड़ा जितने जीत हम हासिल कर पाए। उनका कहना वो झूठ है, ऐसा ही हरदम झूठ बोलने का प्रयास वो करते रहते हैं। अभी भी वैसे उन्होंने झूठ करके अपना दायरा कम होने के बजाय ज़्यादा बड़ा इस प्रकार का बताने का भ्रम की भावना निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, इसलिए वैसे ही काम वहाँ पे हुआ। नागपुर ज़िले में जो कुछ दावा पहले दिन उन्होंने किया था वो दावा एकदम गलत है, जिसका निराकरण कल कुछ हमारे पार्टी के लोगों ने कांग्रेस मिलकर किया है। इस पर से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी का विजय ये है। नहीं, उसकी रणनीति बस तय है, एकदम तय है। आदरणीय कांग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के ठाकरेगढ़, ये तीनों मिलके ही आने वाले सारे चुनाव हम साथ में लड़ने वाले हैं। ये हमारे सारे पक्ष के नेताओं ने खुला जाहिर कर दिया है।